PIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और MS Excel की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं चूज फंक्शन के बारे में, चूज फार्मूले के बारे में। देखिए, चूज फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, तो एक इंडेक्स नंबर के जरिए आपको किसी डेटा का रिजल्ट फाइंड करना हो, इसके लिए हम चूज फार्मूले का ज्यादा मात्रा में प्रयोग एक्सेल में करते हैं। एक इंडेक्स नंबर के माध्यम से अगर आपको डेटा ज्ञात करना हो, डेटा को आपको प्राप्त करना हो, इसके लिए चूज फंक्शन का प्रयोग हम लोग MS Excel में करते हैं। जैसे यहाँ पे इतना सारा नंबर यहाँ पे लिखा गया है, इस नंबर को अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो इक्वल सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करके एंटर करेंगे तो वो आपको जोड़ करके बताएगा बताएगा ना। अगर आपको मिनिमम भी निकालना होगा तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और फिर मिनिमम लिखेंगे, तब ब्रैकेट ओपन क्लोज करके डेटा को सिलेक्शन करके एंटर करेंगे तो मिनिमम छांट के बताएं। लेकिन कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसा ऑप्शन जिसके माध्यम से हम एक बार में ये पता कर सकें बस केवल इंडेक्स नंबर के माध्यम से, तो इसके लिए हम चूज फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैंने सीरियल वाइज तरीके से, जैसे एक नंबर पे मैंने सम लिखा, दो नंबर पे मैंने मैक्सिमम लिखा और तीन नंबर पे मैंने मिनिमम लिखा, चार नंबर पे मैंने काउंट लिखा और पांचवें नंबर पे मैंने एवरेज टाइप किया, मतलब क्या है कि बस केवल इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे उसका वैल्यू ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हम चूज फंक्शन का प्रयोग करते हैं एक्सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इंडेक्स नंबर के जरिए आपको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको सम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, काउंट निकालना हो, एवरेज निकालना हो, इन सबों के लिए हमको बस इंडेक्स नंबर चेंज करने की जरूरत होती है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हम एक डेटा टेबल बना लेंगे जिससे कि हमको आसानी तरीके से रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर एक इंडेक्स नंबर को आप यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके पेस्ट करिए। पेस्ट करते ही अब यहाँ पे आपको रिजल्ट पे आ जाना है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, मैक्स है, तो रिजल्ट में मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। अगर यहाँ पे इंडेक्स में तीन लिखते हैं तो तीन में मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, इंडेक्स में एक लिखते हैं तो पूरे को जोड़ करके तब यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। मतलब एक बार फार्मूला आप लगाइए और केवल इंडेक्स नंबर आप चेंज करिए तो जो इंडेक्स नंबर के स्थान पे जो फार्मूला होगा वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसके लिए पहले एक बार आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता है। तो इस फार्मूले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूज, ब्रेकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स नंबर को सिलेक्शन करते हैं, नीचे कॉमा करते हैं, इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है वैल्यू वन, मतलब वैल्यू वन में क्या लिया है, सम लिया है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना, इसके बाद से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लेना, हेडिंग को छोड़ देना, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे वैल्यू टू दे रहा है ना, तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद पुनः ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पूरा नीचे कॉमा करेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, मिनिमम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, पुनः नीचे कॉमा करना है, इसके बाद काउंट, यहाँ पे आपको काउंट टाइप करना है। अब यानी कि हेडिंग में आपने सम ऊपर लिखा है तो सम के फार्मूले आप चौथे नंबर पे लगाइए, तब रिजल्ट आपको नहीं पता है, सीरियल वाइज तरीके से ही आपको डेटा लेना पड़ेगा। पुनः ब्रैकेट ओपन करिए, पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, पुनः नीचे कॉमा करिए, इसके बाद से लास्ट है एवरेज, ABER AGE, और ब्रैकेट ओपन करिए, पुनः पूरे नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना। जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सही है कि गलत है, अरे सेकंड नंबर पे मैक्सिमम है तो इस पूरे नंबर में से केवल मैक्सिमम छांट करके बता दो। अगर आप यहीं पे लेते हैं, अगर आप तीन, तो तीन पे क्या है, एक नंबर आ जाएगा, देखिए क्योंकि मिनिमम नंबर कितना है, एक। वही अगर आप यहाँ पे चार लेते हैं तो सारे नंबर को काउंट करके बताएगा कि ये नंबर कई बार लिखा हुआ है, आठ बार, काउंट करिए, एक दो तीन, तीन चार पांच छह सात और आठ बार नंबर लिखा गया। पुनः अगर आप यहाँ पे पांच लेते हैं तो इन सबका एवरेज निकाल करके बता देगा, कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं साइड में निकाल के दिखा रहा हूँ, इक्वल ABER AGE, ब्रैकेट ओपन करिए, पूरे नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए,
सही है। तो हम एक एक बार जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से अच्छा है, एक एक बार जो एवरेज और सम मैक्सिमम निकालने से अच्छा है कि एक बार इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम उसको निकाल लें और बस केवल इंडेक्स नंबर आप चेंज करेंगे। जैसे एक नंबर लेंगे तो सबको जोड़ करके बताएगा। देखिए, केवल इंडेक्स नंबर के जरिए आप आसानी तरीके से इस डेटा का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए, इसी के आधार पे मैंने एक और फार्मूला बनाया है। ये तो मान के चलिए कि एक्सेल का फार्मूला हो गया, लेकिन ये मैथमेटिकल्स के फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे एडिशन है आपका, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड, जोड़ घटाना गुणा और बढ़ा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू लिया है और वाई की वैल्यू लिया, तो एक्स की वैल्यू में मैंने 80 लिया है और वाई की वैल्यू में मैंने 40 लिया। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू आप लेंगे, ठीक है? आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। अब इसमें इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो किसी भी एक इंडेक्स नंबर को यहां से कॉपी करिए। अब ये नहीं कि इसको कॉपी कर लीजिए, तो ये तो इसके लिए है ना, और ये टेबल इसके लिए। यहाँ पे कॉपी करिएगा और यहाँ पे इंडेक्स नंबर ला करके पेस्ट कर दीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और फार्मूला आपको सीखना है, चूज फार्मूले में। इस फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, इस फार्मूले का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है चूज, और सबसे पहले इंडेक्स नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पहला पे दिया है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लीजिए और प्लस वाई की वैल्यू ले लीजिए, इन्हीं दोनों को जोड़ना है ना, नीचे कॉमा करिए। इसके बाद से पुनः सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, माइनस होना चाहिए, तो पुनः एक्स की वैल्यू ले लीजिए और माइनस वाई की वैल्यू ले लीजिए, पुनः नीचे कॉमा करिए, पुनः आपको एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे गुणे का सिंबल नहीं आता, स्टार का सिंबल आता है समझिए, और यहाँ पे वाई की वैल्यू, पुनः नीचे कॉमा, इसके बाद एक्स की वैल्यू और डिवाइड बाई वाई की वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? क्यों 80 आया? क्योंकि सेकंड में माइनस लिखा गया, और फर्स्ट पे करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 160 आ जाएगा। वही थर्ड पे करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, देखिए। फिर यहाँ पे चार नंबर पे लेंगे तो ये डिवाइड करके बताएगा, देखिए। कोई दिक्कत? यही फार्मूला आज की क्लास में सीखना था, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, फार्मूले को लिख लीजिए, बहुत इजी है ना। लेकिन मान के चलिए कि मैंने इतना ही डेटा बनाया है, आप थोड़ा सा लंबा डेटा बनाइएगा तभी तो समझ में आएगा। आप थोड़ा सा लंबा डेटा बनाइएगा तभी तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट पैड, यहाँ पे फार्मूला चलिए टाइप कर लीजिए। लिखिए इक्वल चूज ब्रैकेट ओपन सम, नहीं, सेलेक्ट सिंगल इंडेक्स नंबर, नीचे कॉमा, इसके बाद सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल नंबर ब्रैकेट क्लोज, नीचे कॉमा, इसके बाद सेकंड में क्या था, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्स है ना, यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कॉमा, इसके बाद से ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कॉमा, इसके बाद काउंट सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद नीचे कॉमा, इसके बाद एवरेज, ए बी ई आर ए जी ई, स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, ये सेकंड फार्मूला है। सेलेक्ट सिंगल इंडेक्स नंबर, ब्रैकेट ओपन, एक्स की वैल्यू,
वाई की वैल्यू, यही था ना, वाई की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे कॉमा, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा था ना। हाँ, ब्रेकेट में नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकेट में नहीं रखना है इसको, यहाँ से ब्रेकेट हटा दीजिएगा, ब्रेकेट नहीं लेना है, ऐसे नॉर्मल ये फार्मूला है। एक्स की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू, नीचे कॉमन, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू, नीचे कॉमन, एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई वाई की वैल्यू।